इस सैटरडे का क्या प्लान है क्या हम ये टीवी सीरीज बिंज वॉच करें अब देख तो लिया ही है तो ये ओवर एक्टिंग करने जरूरत नहीं है सीधा सवालों पे स्टार्ट करते हैं हाँ तो ये देखने का मन तुम्हारा क्यों था ओके तो मेरा तो मन नहीं था <laughs> मैंने कहा अकेले देख लो तो तुमने कहा साथ में देखेंगे तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं मतलब इंटरेस्ट तो मुझे भी होता है इन चीज़ों में तो मेरे लिए पुल था तुम्हारे लिए कि भाई साथ में देखना है तो बेंच वाचिंग के लिए टाइटल में सास बहू और फ्लैमिंगो तो मेरे दिमाग में वही आता है कि अरे यार कोई सास बहू वाला ड्रामा होगा जिसमें खूब ज्यादा ये लोग सीरियल को ड्रैग करेंगे खींचेंगे बट बट फिर मैंने इनको टीजर दिखाया हाँ। <laughs> टीजर अगर आप देखेंगे उसमें सॉन्ग वही यूज हुआ है तुलसी हाँ। वाला क्योंकि सास भी कभी बहुत थी बट जैसे जैसे वो टीजर में आगे बढ़ते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वेमेन पोट्रेयल है

मतलब मेरा मन इसलिए भी था इसको फिर जब एक बार देखना शुरू कर दिया तो मेरा इसलिए भी मन होने लगा देखने का क्योंकि मैंने और जो सीरीज़ देखी हुई है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आप लोग जानते होंगे अगर तो नाइन्टीज़ का एक सीरीज़ होता था सुपरानोस करके वो एक्चुअल में मुझे लगता है रियल ड्रग कार्टेल माफिया इन सब के ऊपर है जो बहुत ही रियलिस्टिक है तो मैंने वो देखा हुआ है कॉलेज टाइम पे एंड उसके बाद फिर मैंने ब्रेकिंग बैड देखा हुआ है एंड रिसेंटली जो देखा हुआ था मैंने लास्ट ईयर वो था पीकी ब्लाइंडर्स तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं तो मुझे इस चीज का थोड़ा सा इंटरेस्ट था ये ड्रग कार्टेल माफिया वाली चीजों का पूरा बिंज वॉच करने के बाद तुम्हें क्या अच्छा लगा इस टीवी शो so... मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा हुआ था कि एक दो एपिसोड देखते हैं मतलब जैसे हम लोग के साथ होता है कि हम लोग एक नई सीरीज उठाते हैं पकड़ते हैं फिर सोचते हैं कि यार देखना है कि नहीं देखना है तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया दो तीन एपिसोड्स देखे इसके सीरीज में फिर अचानक से ना इंटरेस्ट जगने लगा मेरा वही वाला दिमाग एकदम से टिंकर करने लगा कि अरे यार ये वैसी सी स्टोरीज़ हो रही हैं बिल्कुल जो काइंड ऑफ ड्रग लॉर्ड माफिया एट द सेम टाइम फैमिली बिजनेस इन सब से रिलेटेड तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं पहले से और मुझे इंटरेस्ट है इसलिए मुझे कंटिन्यू करने का मन हुआ देखने का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इसके जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स थे जो मुझे लगे जैसे कि आप जानते हो इसमें वेटरन एक्ट्रेस हैं इसमें जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स की एक्ट्रेसेस हैं वो भी हैं इसमें मूवी थिएटर्स में जो एक्चुअल उन लोगों देखी हुई हैं उनकी भी एक्ट्रेस हैं तो एक जो प्लॉट था ओवरऑल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि यार बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को यूज़ करके इन लोगों ने बहुत अच्छे एक्टर्स को इन लोगों ने इसमें कास्ट किया हुआ है एंड स्टोरी काफ़ी मतलब पुलिंग थी और एंड थोड़ा सा विमेन सेंट्रिक वाला था जो, डिफरेंट मिला कि यार हमेशा लोग होते हैं जो मार धार लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं था तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट थे इसमें इसलिए मुझे मतलब करने का मन किया इसको मैं देखता रहा तो ये मेरा रीजन था हाँ वो तो तुमने सही कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसमें काफी अच्छी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी तुम रिकमेंड करोगे अपनी ऑडियंस को मतलब मैं डेफिनेटली वन टाइम वॉच डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं इसलिए वन टाइम वॉच इसलिए बोल रहा हूँ कई लोगों को इस पूरे यू you नो know, लड़ाई झगड़ा ड्रग कार्टेल सीज चीज के जॉनरे में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है बट मैं पर्सनली तो इस चीज़ से बहुत फैसिनेटेड रहता हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनके मुझे ट्विस्ट्स अच्छे लगे इन लोगों ने जिस तरीके से स्टोरी को घुमाया हुआ है पूरा आप एंटिसिपेट करते हो यार ये हो जाएगा शायद ये हो जाएगा बट वो ऐसा नहीं था बीच बीच में अचानक से अगर हम लोग नोटिस करे थे कि हम लोग आपस में डिस्कस करे थे जैसे होता हाँ। है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीरीज़ को देखते हुए कि यार अब मुझे लग रहा है ये ऐसा करने वाले हैं वे वैसा करने वाले हैं एंड मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोग की प्रोडक्शन थोड़ी बहुत गलत होती थी अब हम लोग का एक्सपीरियंस हो चुका है विन वॉचिंग करते करते हम लोगों ने ट्वेंटी फाइव थर्टी प्लस जो सीरीज हैं वो देख रखी हाँ। हैं कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया हुआ था जो ये एडिक्शन है तो आठ आठ हाँ दस दस सीजन वाले एपिसो वो सीरीज भी देखी हुई हैं तो ओवरऑल मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा एंड अगर मैं एक ही चीज़ को वो कहूँगा जो मुझे खराब लगी वो ये कि यार जो लास्ट मैं इन्होंने लटका दिया है ना अब हमारे अंदर एक होक क्रिएट हो गया हाँ। कि हम जानना चाहते हैं कि भाई क्या सीजन होने वाला है क्या होने वाला है आगे क्या होने वाले नेक्स्ट सीजन में बाकी आठ एपिसोड कब निकल गए हम लोगों ने एक दिन के अंदर इसको कैसे वॉच कर लिया पता नहीं चला तो आई वुड रिकमेंड इट वन टाइम फॉर श्योर जितना अच्छा कंटेंट मुझे लगा कि आप मतलब एक चीज होती है ना जैसे कई बार हम कुछ देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि यार यहां पे ना इन लोगों ने थोड़ी सी लोकल एक्टिंग कर दी हाँ। जैसे अचानक से कि कुछ करना था तो कुछ कर दिया

Thanks for watching and please don't forget to subscribe.